लाइव न्यूज, खबर तो पक्की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी पटना के गर्दनी बाग में हूं और आप यहां देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के गलती के द्वारा 18 से 19 साल के बच्ची को मुखिया बना दिया गया। 19 साल के बच्ची को मुखिया बना दिया गया। हालांकि उस समय भी कंप्लेन किया गया था, जब नॉमिनेशन दिया जा रहा था तो जो अगेंस्ट जो उनके विरोध में खड़ा थे वो लोग कंप्लेन किए थे कि ये 19 साल की है, ये एलिजिबल नहीं है 21 साल के लिए मुखिया पद पे लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद भी कंप्लेन पे गौर नहीं किया गया और वो लड़की खड़ा होती है, खड़ा होने के बाद जीत भी जाती है और जीतने के बाद अभी भी मुखिया पद पर निर्वाचित है। इसी के लिए जब निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई फैसला नहीं आता है तब जा करके ये लोग लास्ट में आकर के ये लोग गर्दनी बाग में आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ में। आपका क्या नाम हुआ? राधा कुमारी पटेल। राधा कुमारी, आप क्यों इंटरेस्ट रख रही हैं इसके लिए? हम चाह रहे हैं सत का जीत हो, जो संविधान में लिखा है उसका जीत हो। संविधान के अनुसार 21 बरिस पूरा वही मुखिया में खड़ा हो सकता है, जबकि संविधान के अनुसार कोई चलवे नहीं करेगा, जो सब का जीत होवे नहीं करेगा तो फिर रह गया क्या? कोई एक दो साल का बच्चा भी इलेक्शन लड़ सकता है, इसीलिए हम इंटरेस्ट ले रहे हैं सच का संविधान के अनुसार चले। अच्छा, तो आप चुनाव में खड़ा हुई थी? अब बिल्कुल चुनाव में। क्या पोजीशन था? मेरा थर्ड पोजीशन। मतलब वोटिंग का क्या अंतर था? कुछ ही अंतर था, ज्यादा नहीं। कहने का मतलब ये था कि अगर शायद वो लड़की खड़ा नहीं होती, रागनी नाम है उस लड़की का और रागनी गही पंचायत की मुखिया है और वो खड़ा नहीं होती, अगर निर्वाचन आयोग उसको कैंसिल कर देता, ये दो आदमी कॉन्टेस्ट में रहते और जो एलिजिबल है, जो अधिकारी है उस पद के लिए, उस वो मुखिया पद पर निर्वाचित होती। ये गलती कहीं ना कहीं आपको एक याद करा देते हैं कि यही मामला सेम मामला आया था सम्राट चौधरी को लेकर के, जो अभी बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं, यही घटना हुई थी सम्राट चौधरी के लिए। पता है आप लोग को? हाँ, जब फर्स्ट टाइम विधायक बने थे वो, तो फर्स्ट टाइम विधायक होते एज फैक्टर का मामला सम्राट चौधरी के साथ भी आया था, लेकिन आज मुखिया का जब मामला आया। आप कौन हुए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिकंदर आजम हुआ और उस पंचायत का मैं एक नागरिक हूँ, एक मतदाता हूँ। तो चुनाव आयोग का एक नियमावली बना हुआ पंचायत चुनाव के लिए, 2006 में बने थे, उसमें धारा 136(1) और धारा 136(2) के तहत यह नियम है कि अगर निर्वाचन विभाग को, निर्वाचन आयोग को अगर पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति उम्र का जो उसका अगर फासला सही नहीं है, वो अर्हता पूरा नहीं करता है, तो स्वतः संज्ञान लेकर के उसको निरस्त कर सकता है। लेकिन यहाँ तो राधा पटेल ऑलरेडी उनको कंप्लेन दिया, कंप्लेन में इन्होंने जांच कराया, जो निर्वाचन आयोग का एक उनका जो ये एजेंसी है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिलाधिकारी, उनके द्वारा लगभग 9 महीना पहले वो समर्पित भी कर दिया जांच रिपोर्ट। उन्होंने उसमें प्रूफ कर दिया कि हाँ ये गलत है, वो 21 साल की नहीं है, 19 साल की है। तो जब ये रिपोर्ट साबित हो गया, आपकी एजेंसी भी कह रही है, नामांकन के समय से कंप्लेन हो रहा है, तो फिर तो चुनाव आयोग को कब का रद्द करके इलेक्शन करा देना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो चुनाव आयोग पर कौन भरोसा करेगा? तो ये बताइए, अभी तक आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? देखिए, आज ही बताए हैं से इस सप्ताह में आपका काम हम कर देंगे, तो हम लोग वही इंतजार कर रहे हैं काम जल्द से जल्द हो जाए। अगर नहीं होगा तो इससे बड़ा भी आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। इससे बड़ा भी आंदोलन कर सकते हैं? बिल्कुल। बड़ा आंदोलन का मतलब क्या? बड़ा आंदोलन का मतलब हम और लोग जुटाएंगे, और लोग ला के हम चाहते हैं जल्द से जल्द जो सच है वो हो। आप लोग वहीं जाए? जी, वहीं जाए। क्या कर रहे हैं आप? इनके सपोर्ट में हैं आप? जी जी, निर्वाचन आयोग के खिलाफ में है, निर्वाचन गलत किया है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो निराय में सुधार हो। हाँ, उनको कैंसिल हो, जो हाँ जो जो गलत है उसको खत्म। जी जी। अम्मा जी, आप कहाँ से हैं? गाही पंचायत का है। इनके कोई लगते हैं आप? हाँ, गाही का पंचायत का है। आप क्या चाहते हैं कि यही मुखिया बने? हाँ, राधा पटेल मुखिया बने। गलत हुआ है? गलत बा, उमर नहीं के ओकरा। बिना उमर के कैसे? हाँ, उमर नहीं के अपन अपन काम अथी हो आगे मुहे काम हो। गलत आदमी बा, उ नीमन आदमी बा। ठीक है, तो रागनी, ये निर्वाचन आयोग की गलती है कि 19 साल के उम्र में उसे नॉमिनेशन करवाया जाता है, नॉमिनेट हो भी जाती है और मुखिया पद के लिए निर्वाचित भी हो जाती है,
लेकिन उसी समय जब विरोधी पार्टी जब उनको कंप्लेन किया गया तो इस बात को नज़रअंदाज किया गया, तो कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर, छोटे स्तर पर, छोटे अधिकारी तक कहीं ना कहीं ये मामला कुछ गड़बड़, इस मामले को लेकर के स्कैम को लेकर के एक मामला है, क्योंकि या तो पैसा लेन देन करके उनको मुखिया पद का दिया गया, पोस्ट दिया गया, या कहीं ना कहीं भूल हुई होगी निर्वाचन आयोग से। लेकिन भूल की सवाल इसलिए नहीं हो रहा कि जब उनको संज्ञान में लिया गया, जब उनको जानकारी हो गई कि इस मुखिया रागनी की उम्र जो है मात्र 19 साल की है, तो फिर 19 साल के मुखिया को क्यों दिया गया, नॉमिनेशन क्यों करवाया गया। मैं शंभु कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, द लाइव न्यूज पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।